तो अगर जैसे किसी का पार्टनर उनके पास जाए और उनसे बोले कि मेरे को तो मतलब कुछ करना है, तो उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मन पे उनके कैसे बता इसे, उनको मन नहीं रुक कोरोना की वजह से ऐसे सेक्स सेक्स तो नहीं रुकना चाहिए लोगों का। अगर किसी को है तो ऑफ कोर्स रोकना चाहिए ना यार। हाँ बाकी एड्स नहीं है सो ऑफ कोर्स दे कैन डू। मास्क पहन के कर लो, मास्क पहन के कर लो। और अच्छा अगर जैसे आपकी बंदी आपके पास आके बोले कि आज मेरे को कुछ करना है तो आप मना कर दोगे उसे? बंदी? हाँ पागल है। और आप लोगों को जैसे हैंडशेक्स वगैरह कर रहे हो? नहीं। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब एकदम ठीक हो, मैं भी एकदम ठीक हूँ। आइसोलेशन में हैं हम लोग, और जैसे कि मैंने आप सबको हमारे पिछले एपिसोड में बताया था दैट ये बेसिकली एक सीरीज़ है जो हमने कोरोना वायरस के ऊपर बनाए हैं। ये वीडियोज़ हमने पहले ही शूट कर लिए हैं, 2 हफ्ते पहले ही हमने इस वीडियो को शूट कर लिया था। जस्ट इन केस दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले 2 वीडियोज़ नहीं देखे जो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए अपने चैनल पर, तो वो ज़रूर देखना यहाँ पर क्लिक करके और फिर आज की इस वीडियो को देखना, ठीक है? और आज के वीडियो में हम लोगों से ये पूछेंगे दैट उनके हिसाब से, मतलब 2 हफ्ते पहले तक उनको क्या लगता था दैट वो कौन से मिथ्स और फैक्ट्स है कोरोना वायरस के, कोरोना वायरस से रिलेटेड, और वो कौन से वियर्ड मिथ्स के बारे में उन्होंने अभी तक मतलब सुना है। और आप सब भी हमें ज़रूर बताना दैट वो कौन से मिथ्स और फैक्ट्स हैं जो आपने सुने हैं, या मतलब आपको क्या लगता है कोरोना वायरस के ऊपर, तो वो कमेंट करके हमें बताना, ठीक है? एंड गाइस, इतना ब्लू स्काई बहुत रेयरली देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने भी कभी अपना इंट्रो आउट्रो मतलब ऐसे तो नहीं करा, मतलब व्लॉगिंग स्टाइल में, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना था ये कैसा लग रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आप सबको ऐसे ही मतलब एंकरिंग देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि घर पे ही हो तो देख ही लो वीडियो को लास्ट तक। सो गाइस, लाइक एवरी टाइम, प्लीज़ सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप लोगों को हैंडशेक वगैरह कर रहे हो, हग कर रहे हो सबको? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं इतना सीरियसली नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ को, मतलब ठीक है जो अच्छा। जो इन्फेक्टेड है या जो कोई बीमार है उससे ऑब्वियसली नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नहीं होना होगा तो अवॉइड कर रहा हूँ। आपको हक कर रहे हो? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। तो अगर कोई कर भी नहीं रहा है कि मैं सोचूं कि मुझे नहीं करना है, कोई भी नहीं कर रहा है अभी। हम लोग इससे बाहर ही नहीं जा रहे, तो हैंडशेक का सच कुछ सीन नहीं हुआ। तो अगर जैसे आपका पार्टनर आपके पास आके बोलता है कि मेरे को मतलब हग करनी है, किस करनी है, तो आप मना करोगे उसे या फिर कर दोगे? एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ है नहीं। अगर जैसे आपका बॉयफ्रेंड आपको आके बोलता है कि मेरे को तेरे हग करना है, तो बॉयफ्रेंड के साथ ठीक है? बॉयफ्रेंड के साथ ठीक है, तो मतलब एक घर पे ठीक है, बट फिर साफ ऑफ करके आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास आके आपको हग करने को बोलेगी, तो आप मतलब हग कर लोगे? नहीं, मैं मिल ही नहीं रहा हूँ अभी। कितना अच्छा, तो मैं तो मिल ही नहीं रहा हूँ। क्यों? मतलब इतना डर कोरोना का? हाँ, वो भी बिजी, मैं भी बिजी ना, तो इसलिए हम मिल ही नहीं रहे। सिंगल, आम सिंगल। अच्छा ओके, तो अगर जैसे आपकी बंदी आपके पास आके बोले कि आज मेरे को कुछ करना है, तो आप मना कर दोगे उसे? बंदी? हाँ पागल है। अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं? और सबको हैंडशेक करने में दिक्कत? कोरोना नहीं है मुझे, मैं कंफर्म हूं इसके बारे में। अच्छा, और वो तो पता नहीं चलते सिम्टम्स, तो बाद में पता चलते हैं, तो अगर बाद में निकला तो साथ में मरेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। सही है। क्या अभी के लिए लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, जैसे अगर आपका पार्टनर आपके पास आए, तो क्या लोगों को ऐसे अभी के लिए लाइक शुद्ध बिल्कुल मतलब ये सब उन्हें छोड़ देना चाहिए कि एक दूसरे से बिल्कुल दूर ही रहें? नहीं, थोड़ी देर सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। जैसे लोग हैंडशेक वगैरह नहीं कर रहे अब, तो अगर जैसे कोई कपल है, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें भी बिल्कुल कुछ जैसे अगर हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए अभी के लिए? देखिए, जो फॉर दी कपल्स, जो कपल्स हैं उनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है? और अगर आप खुद से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और आप अच्छे से अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कपल्स को इतना सोचना भी चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि कुछ दिन अगर हम अवॉइड करते हैं तो बेटर है। हाँ, कि थोड़ा सा मतलब हर इंसान से थोड़ा सा, जब बीमारियों से बच सकते हैं, हमारी सेफ्टी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम अलग 2 दिन की बात है, कि थोड़े दिन अगर हम Okay. थोड़े दिन अपने आप को सेव करने के लिए अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो बेटर है। बीइंग इन फैमिली नहीं, ऑब्वियसली फ्रेंड्स भी आ रहे हैं तो हम अवॉइड करें, ऑफिस में भी हम जितने दिन थे तो हमने मस्ती कर रहे थे सबको, रादर देन गोइंग विद या भाग करो या हाथ मिलाओ या सभी कुछ। कोई मिथ्स और फैक्ट्स पता है आपको इस वायरस के बारे में? कोई आइडिया आपको कोरोना के बारे में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। हमें तो ये भी नहीं पता लग रहा झूठ क्या है सच क्या है, जो लोग बोल रहे हैं हम लोग विश्वास कर रहे हैं। मिथ इज अबाउट दैट इट इज ओनली कैचिंग टू द ओल्ड, हिंदी हिंदी हिंदी, ये सिर्फ
बूढ़े लोगों को हो रहा है, बट इट्स अ मिथ, इट कैन बी हैपन, ये किसी को भी हो सकता है, एवरी एज. मिथ्स आर लाइक कि चिकन से वो फैल रहा है या बीफ से वो, इन सब प्रोडक्ट से वो फैल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स अ मिथ. मिथ्स मुझे पता है कि आई थिंक ये लोग कहते हैं कि बैट से आया है, बट वो श्योरिटी नहीं है. और ऐसे भी है कि गर्मी में मर जाता है और ऐसी हवा में नहीं है और ये सब. सबसे बड़ी मिथ ये है कि अगर कोई मास्क पहन के जा रहा है तो कोरोना उसे होगा नहीं, ये कुछ वो नहीं है. वो कहते हैं कि गौमूत्र पी लो, ये बांध लो एंड जाओ कोरोना जाओ के ना. मास्क से कौन बोलते कोरोना रुकेगा. उसने मेरे को दोपहर में आके बताया कि एक वीडियो है जिसमें कोई तो बोल रहा है कि दो पैग लगा लो, दो जॉइंट फूक लो तो सही हो जाएगा. बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे गांजा वांजा पीने से मतलब ये कोरोना नहीं होगा, और गौमूत्र पीने से गांजा मतलब ये सब करने से. मैं पहली बार सुन रही हूँ कि कोरोना और गांजा पीने से नहीं होगा. तो ये मतलब क्या है, इसके क्यों बोल रहे हैं ये, क्या मतलब क्या है इसके. वो करना चाहते हैं इस चीज को तो वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. जब हम पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि ये रियल है और कुछ लोग उस चीज को मान भी लेते हैं. इट्स ऑल अबाउट अ मिथ. तो मतलब वो सब झूठ है, फैक्ट नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है. बहुत सारी बातें अफवाहें फैल रही हैं. अब पब्लिक को खाने में भी डर रही है. मैं यहाँ मार्केट में आई हूँ, कुछ खाने के समय भी डर रही हूँ. फैक्ट्स सच्चाई है वो क्या है. एक्चुअली यू नो इट्स द मीम्स हैविंग लाइक दे पुट अ वेरी वेरी गुड इन्फ्लुएंस ओवर जो मीम्स होते हैं उन्हें देख के सबको मतलब टेकिंग देम वेरी वेरी लाइटली, सो यू कैन सी एज मीम्स. तो सब मजे में ले रहे हैं, मतलब बहुत उन्हें लग रहा है कि बहुत फनी है ये चीज. यस वायरस है ये, एक्चुअली एयर में पेनिट्रेट नहीं कर पाता या किसी की बॉडी पे रहेगा या तो बाय टच ही ट्रांसफर हो सकता है. जो मैंने सर्वे पढ़े हैं उनमें उन्होंने यही बोला है कि जो बाहर से घूमकर आए हुए लोग हैं उनमें इसके चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर जो नॉर्मल लोग यहाँ पे है, बच्चों और बड़ों का, इसलिए बोला जा रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम है. तो ये था लोगों का कहना कोरोना वायरस के मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में. जस्ट इन केस अगर आप में से कोई भी डॉक्टर है, कोई मेडिकल एक्सपर्ट है, मेडिकल प्रोफेशनल है, तो आप सब हमारे साथ ज़रूर शेयर करना दैट वो कौन से मिथ्स और फैक्ट्स हैं जो आपको लगते हैं जो मतलब कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं. नीचे कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताना. और दोस्तों प्लीज़ घर पर रहो, अपने को एकदम सिक्योर रखो, सेफ रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं. आप सबको पता ही है दैट अभी क्या चल रहा है, अभी बुरी हालत हुई हुई है. आप सब ने देखा है अभी इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, इनफैक्ट यूएस में देखो नंबर्स मतलब बहुत क्रेज़ी हो गए हैं और मतलब बढ़े जा रहे हैं. तो हमें ये नहीं होने देना इंडिया में. तो आप सबको मतलब रिक्वेस्ट यही है दैट बताओ पटाखे फोड़ रहे हैं आप लोग. सो प्लीज़ आप लोग घर पे रहो और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहो, सेफ़ रहो, हमारी वीडियोस देखो, अपने फेवरेट क्रिएटर्स के वीडियोस देखो, कुकिंग के वीडियोस देखो, जो देखना है करो, बट प्लीज़ घर पे ही रहो, बाहर मत जाओ. कोई बात नहीं, ये 21 डेज़ का अगर लॉकडाउन है या अगर एक्सटेंड भी होता है उसको अप्रिशिएट करो. प्लीज़ बाहर मत जाओ, अपनी जान को तो आप रिस्क पर डाल ही रहे हो, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम बाकी लोगों के भी लाइफ यू नो रिस्क पे हो जाता है. तो गाइज़ प्लीज़ स्टे होम, प्लीज़ स्टे होम, प्लीज़ स्टे होम. हमारी वीडियोज़ देख लेना, 300 से ज़्यादा वीडियोज़ हमने पहले पोस्ट कर रखी हैं. तो आप में से अगर कोई न्यू व्यूअर है जिसने QYT की वीडियोज़ पहले नहीं देखी, या आप में से कोई अगर ऐसा है दैट ऑलरेडी हमारे वीडियोज़ मतलब देखता है या पहले देखी हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इट्स फॉर फ्री. ये जो नीचे सर्कल अपीयर कर रहा है इसको क्लिक करो, क्विक रिएक्शन टीम को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो. एवरी वीक मैं ट्राई करूँगा आप सबके लिए दो वीडियोज़ ऐसे ही पोस्ट करता रहूँगा. कोरोना वायरस के ऊपर आई थिंक और दो या तीन वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है, और ये दो वीडियोस भी देख लेना. आई विल सी ऑल अगेन वेरी सून विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्विक रिएक्शन टीम. अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, स्टे होम, बाय बाय.